नमस्कार किसान मित्रों, आपका निखार ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म में स्वागत है। ये जो कंपोस्ट खाद देख रहे हैं, ये मुर्गी की बीट, गोबर की खाद और राख फास्फेट का तीन लेयर बना करके इसको वेज डिकम्पोजर की सहायता से अच्छी तरह से डिकम्पोज किया गया है। इस कंपोस्ट खाद में वेज डिकम्पोजर के सभी प्रकार के बैक्टीरिया उपस्थित हैं, क्योंकि इस कंपोस्ट खाद को तीन बार उलट पुलट करके वेज डिकम्पोजर का कल्चर डाला गया है। आप देख रहे हैं यह खाद कितने अच्छी तरह से भुरभुरी हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में वर्षा होने की वजह से ये गीला हो गया, इस वजह से इसमें कुछ लड्डू बन गए हैं। इसे तीन लेयर बिछा करके वेज डिकम्पोजर से उपचारित किया गया है। इसे जैविक डीएपी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपने गेहूं की फसल पर छिड़काव विधि से डाल करके करेंगे। ये जो फसल आप देख रहे हैं, पैगंबरी सोना मोती गेहूं की फसल है, जिस पर इस कंपोस्ट खाद अर्थात जैविक डीएपी को डाला जा चुका है। अभी हमारी काले गेहूं की जो फसल है वो लगभग एक महीने होने जा रही है। इस फसल पर ये कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये काले गेहूं की फसल है, इस पर कंपोस्ट खाद का काले गेहूं की फसल पर इस प्रकार से छिड़काव किया जा रहा है। इसके बाद खेत में पानी लगाने के 7 दिन पश्चात आप ये देख रहे हैं गेहूं की फसल पर कितना ग्रीननेस आ गया है और इसके कल्ले में भी फुटाव काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा खेत हरा भरा और घना दिखाई दे रहा है। पौधे में ग्रोथ भी हुआ है, साथ में पौधे में ग्रीननेस काफ़ी बढ़ गया है। तो इस प्रकार से हमने जो जैविक डीएपी डाला है उसमें वेज डिकम्पोजर या गौ कृपा अमृत का जो कल्चर हमने सिंचाई के साथ दिया, जो राख फास्फेट के बॉन्ड को तोड़ने का काम किया, जिससे पौधों को फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिली, जिससे इसका जड़ का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और फसल का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। तो जैविक डीएपी का लाभ आप इस प्रकार से अपनी फसलों पर छिड़काव करके ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं फसल में कितना काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया है पहले की तुलना में। ये काले गेहूं की फसल है। बीच बीच में जो आपको खाली जगह दिखाई दे रहा है, एक गेहूं की फसल की जैसे ही हमने बिजाई की थी उसके बाद हमारे क्षेत्र में वर्षा हुई, जिससे बीज का अंकुरण प्रभावित हुआ, जिसके कारण से बीच में जगह आपको खाली दिखाई दे रही है।